आखिर क्यों नहीं हुई प्रवीण सोनी की सुनवाई। घंटा घर पर तीन दिन से बैठा है अनशन पर, विपक्षियों पर आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग कर रहा है। बता दें कि पहले से ही विपक्षी जेल के अंदर हवा खा रहे हैं, फिर ऐसा क्यों? आखिर फिर बार बार सोनी की जमीन का क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। R9 भारत के लिए पूजा कश्यप की रिपोर्ट। क्या समस्या, क्या पूरा मामला बताइए। मेरा नाम प्रवीण सोनी है। मेरी समस्या ये है कि मेरी फ्लैट पे इंस्पेक्टर कैलाश यादव, भवानी यादव और इनके परिवार के लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है। इस मेरे मामले में 4 बार स्वयं जिलाधिकारी आदेश कर चुके हैं, 3 बार EDM साहब आदेश कर चुके हैं और स्वयं उप जिलाधिकारी मौके का मुआयना कर चुके हैं, तहसीलदार मुआयना कर चुके हैं और नायब तहसीलदार मुआयना कर चुके हैं और लेखपाल सदर मुआयना कर चुके हैं और उप जिलाधिकारी दोनों पक्षों को बुला के, मेरे विपक्षी पक्ष को और मुझे बुला के मेरे पूरे अभिलेख की अपने कार्यालय में जांच कर चुके हैं। विपक्षी के पास कोई भी अभिलेख नहीं पाया गया, मेरे सारे अभिलेख सही पाए गए। उसके बावजूद भी विपक्षी पर ना ही कोई कार्रवाई की जा रही है, ना भूमाफिया की कार्रवाई की जा रही है, ना मेरे फ्लैट से अवैध कब्जा हटवाया जा रहा है। सुना है केस चल रहा है, केस का क्या मामला है? किस केस का? केस का बता रहे हैं, मतलब सुनने में आया प्रशासन द्वारा के जमीन पे कोई केस लगा हुआ, केस लगा? मेरा अराजी संख्या 32-10 है और मेरी अराजी पर कोई भी मामला कोर्ट में विचाराधीन नहीं है। इसके पूरे साक्ष्य मेरे पास है, स्वयं जिलाधिकारी ने जांच करा ली है और वो जांच आख्या मेरे पास में रखी हुई है। अभी कोई नहीं आया आपके पास सुनाई? अभी मेरे पास माननीय CO साहब परसों आए थे, कल भी आए थे और कोतवाल साहब भी आ चुके हैं, मेरी जो चौकी लगती है उसके चौकी प्रभारी आ चुके हैं। क्या बोला? लेकिन राजस्व विभाग का कोई भी व्यक्ति अभी तक मेरे पास, 2 दिन गुजर गए अभी तक मेरे पास नहीं आया। मैं दूसरी बार धरने पर बैठा हूँ, 1.5 साल पहले भी मैं धरने पर बैठ चुका हूँ।